नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच होती है कि जो सरकारी स्कूल है ये तो सरकार बस ऐसे ही खोली है, इसमें तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, पैसे वालों के लिए तो प्राइवेट स्कूल बने हैं जहां बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस, एक अच्छा इन्वायरमेंट और भी बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो उन माँ बापों के लिए जो देखा देखी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तो भेज देते हैं और खुद दो वक्त की रोटी कमाने में भी स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं, भटकते दिखाई देते हैं, हाथों को फैलाते हैं लोगों के सामने कि हमें ज़रूरत है पैसों की। क्यों? क्योंकि बच्चों की फीस देनी है। आज आप सभी को मैं बताऊंगा, मुद्दा ज़रा गंभीर है क्योंकि सवाल है बच्चों के भविष्य का। दोस्तों, इन प्राइवेट स्कूलों का नकाब हटाने से पहले आपको कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहता हूं ताकि आपको किस तरह से ये लूटते हैं उसको समझने में आसानी हो जाए। भारत में यदि आपको प्राइवेट स्कूल खोलने हैं तो आरटीई एक्ट 2009 के तहत या तो आप नॉन प्रॉफिट सोसाइटी डालें या फिर ट्रस्ट बनाएं या फिर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत नॉट प्रॉफिट एंटिटी डालें। दोस्तों, ये जो रूल्स बनाए गए हैं कागज़ों पर तो बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आते हैं, परंतु असलियत में आज की डेट में टैक्स चोरी करना, काले धन को सफ़ेद करना और बहुत सी कंपनियां होती हैं इनके टैक्सों को घुमाना अपने फ़ायदे और अपने किसी ऐसे खास व्यक्ति के फ़ायदे के लिए उनके प्रोडक्टों को बच्चों के ऊपर चिपकाना, बच्चों के माँ बापों से पैसे को अपने जेब में डालना, इन सभी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुके हैं ये प्राइवेट स्कूल्स। दोस्तों, भारत का जो कानून है एजुकेशन को लेकर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको बिजनेस करना ही है तो पूरा बाजार पड़ा है आपके पास, मार्केट में 500 तरीके हैं पैसे कमाने के, आप स्कूल जैसे संस्था को तो छोड़िए, ऐसे कामों के लिए इसको तो यूज़ मत करिए, क्योंकि स्कूल से देश का फ्यूचर जुड़ा होता है। इसी वजह से दोस्तों प्राइवेट स्कूलों के लिए इतने सख्त और कड़े नियम बनाए गए हैं। ये बात अलग है कि ये नियम सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है, इन नियमों का यदि पालन होता तो आज की डेट में मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों को लेकर इन प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी को ना झेलते, बिल्कुल ना झेलते, शायद झेलनी पड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी अगर ये कानून और ये नियम अगर ये फील्ड में लागू होते, असलियत में लागू होते, कागज़ों तक सीमित ना रहते। दोस्तों, इन स्कूलों में जो पैसा बच्चों की फीस द्वारा आता है उसे कोई भी अपनी जेब में डायरेक्ट नहीं डाल सकता, आप नहीं जानते थे आज तक, पर आज जानिए वो कि कोई अपने जेब में नहीं डाल सकता, ये उसी स्कूल के डेवलपमेंट में यूज़ करना होता है, परंतु जेबें गर्म की जा रही है, स्कूल वाले जब चाहे तब छड़ी घुमाकर बच्चों के माँ बापों से पैसे निकाल देते हैं, कभी स्कूल की वर्दी का रंग बदल देते, बस बहाना चाहिए इन चोरों को सफ़ेद वर्दी को काली वर्दी में बदलने का, बस बहाना चाहिए, क्योंकि अपने किसी अपने कपड़े वाले का वो है, रिलेशन है उनके साथ और माँ बाप को ये सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस गरीबी से अगर निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। बैंक बैलेंस इनका ज़ीरो के बराबर रहता है, इसलिए ये एक रोटी कम खाकर अपनी औकात से ऊपर ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वे जो खुद झेल रहे हैं, उन्होंने जो खुद देखा है, खुद धक्के खाए हैं, उनके बच्चे आगे ऐसे धक्के ना खाए, उनके बच्चों को आगे ऐसा झेलना ना पड़े, इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों ये प्राइवेट स्कूल्स। ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, इनके अंदर आपके आप कैसे पैसा कमा रहे, कैसे फीस दे रहे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों इन्हें। दोस्तों, ये लोग जितना कमाते हैं उतना ज़्यादा ही इनका लालच और बढ़ता रहता है। टीचर जो किसी भी स्कूल की बैकबोन होती है, जिसकी वजह से इनके घर भर रहे हैं, इनके पेट भरे जा रहे हैं, उनको भी ये दबा कर रखते हैं, भैया ऊपर नहीं उठना है, नीचे ही रहना है। जब कोई भी स्कूल एप्लीकेशन लेने CBSE के पास जाता है तो पहले उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से एक NOC लेनी होती है। जब ये NOC अप्रूव होकर आती है तो उसमें साफ लिखा होता है कि आप अपने टीचर को उतना ही पैसा देंगे जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट टीचर को दिया जाता है सरकार के द्वारा। बाद में CBSE भी इनको यही लिख कर देती है कि भैया देखो, आपको अपने जो टीचर है उसको उतनी सैलरी देनी है जितनी सरकार अपने सरकारी अध्यापक को दे रही है हर महीने। और ये बदतमीज़ लोग, बेशरम लोग क्या कहते हैं, लिख कर देते हैं
रिटर्न में देख देते हैं कि हाँ हम बिल्कुल वही सैलरी अपने टीचर को देंगे, पर असलियत में क्या है ये सभी जानते हैं। बाकी आप अपने किसी जान पहचान के जो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला है टीचर है उससे पूछ सकते हैं कि आपकी सैलरी क्या जो गवर्नमेंट टीचर है उसकी सैलरी की जितनी है या आसपास है। आप डायरेक्टली ये मत पूछिए कि आपकी सैलरी क्या है, आप सिर्फ यही पूछिए कि आपकी जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट टीचर की जितनी आपको मिलती है। दोस्तों प्राइवेट स्कूल का जो स्कैम है ये दशकों से चला आ रहा है, ये आज का नहीं है, इसको बहुत वर्षों से ये हो रहा है। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में ज़ोरों शोरों से चल रहा है, कोई मीडिया इसको कवर करने नहीं आती, कोई एनजीओ, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपस में रिश्ते जुड़े हैं, पैसे का मामला है। दोस्तों जब एक टीचर अपने आसपास ये सब कुछ देखता है तो वह भी गुरु शिष्यों के रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। सभी टीचर एक जैसे तो नहीं होते, कुछ सहते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ इनके जैसे ही बन जाते हैं और वे ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं। और जो टीचर ट्यूशन वाला मॉडल अपना लेते हैं उनका सारा फोकस प्राइवेट ट्यूशन खोलने में आ जाता है, ये स्कूल में पढ़ाना कम कर देते हैं और ट्यूशन पर फोकस ज़्यादा देते हैं। बच्चों को कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट अपने क्लास में आना है तो आपको हमारे ट्यूशन में आना होगा। पैसों के आगे सब कुछ कुर्बान, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। पहले वीडियो में मैं ये आपको डायलॉग सुना चुका हूँ, अभी भी सुना रहा हूँ, क्योंकि पैसे का मामला है और बच्चों को मजबूरी में 20 किलो का बस्ता लेकर इनके ठिकानों में पहुँचना पड़ता है। दोस्तों ये प्राइवेट स्कूल ना अपने माँ बापों को, बच्चों के माँ बापों को अल्लाह दिन का चिराग समझते हैं, ये जब चाहे चिराग घिस कर पैसे निकाल लेते हैं। हर साल फीस बढ़ाना तो एक खेल है, फीस बढ़ाने के पीछे यदि आप लॉजिक देखेंगे तो ये कहते हैं कि स्कूल चलाने में दिक्कत आ रही है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, स्कूल घाटे में जा रहा है, हम तो चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, खतरे में ना पड़े। इस तरह माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है हर साल ज़्यादा फीस देने के लिए, और बेचारे माँ बाप मजबूर है फीस देने के लिए। दोस्तों अंत में आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह प्राइवेट कंपनियों ने BSNL का बुरा हाल किया, बहुत सी कंपनियाँ आई आपके सामने आज भी है, जिस तरह BSNL का हाल किया उसी तरह ये प्राइवेट स्कूल आज गवर्नमेंट स्कूल के हाल कर रही है। देश के लोगों को प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जितना लूटा है उतना किसी और ने नहीं लूटा है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर नहीं दे सकती ध्यान, अगर आपको लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो आप स्वयं एक होकर इस आंदोलन के खिलाफ बिगुल फूंक दे, ताकि लुटेरे अपने इस काम को पूरा कर पाने में हमेशा लटकते रहे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलता हूँ अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।